हेलो दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम दिल्ली सल्तनत में पार्ट 22 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे तुगलक वंश के बारे में। और तुगलक वंश में हम पढ़ रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में, जिसका शासनकाल 1325 से 1351 तक रहा। और मैंने पिछले क्लास में ये डिस्कस कर चुका था कि मोहम्मद बिन तुगलक का कुछ भाग बच गया है, आज उसी का मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए, इसी के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1336 में दक्षिण इंडिया यानी साउथ इंडिया के हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने स्वतंत्र राज्य विजयनगर का स्थापना किया। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में दक्षिण भारत के हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया, जिसे क्या कहा जाता है, विजयनगर का स्थापना इन दोनों भाइयों ने किया। और इसी के शासनकाल में 1347 में महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया, जिसे बहमनी कहा जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु आप लोगों को मालूम होगा कि 1351 में मृत्यु हो गया, क्योंकि उसने एक थट्टा अभियान पर गया था सिंध में, जिसके वजह से तबीयत खराब हो जाने के कारण उसका मौत हो गया गोडाल में। और इसके मृत्यु के बाद दोस्तों इतिहासकार बदायूनी लिखता है, इतिहासकार का नाम है बदायूनी, इतिहासकार बदायूनी लिखता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से मुक्ति मिली। कहने का मतलब, ये मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे विवादित सुल्तान था, और इसके मरने के बाद लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक से मुक्ति मिल गया और मोहम्मद बिन तुगलक को लोगों से मुक्ति मिल गया। यानी लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक से मुक्ति मिला और मोहम्मद बिन तुगलक को लोगों से मुक्ति मिल गया। कहने का मतलब, एक दूसरे से मुक्ति मिल गया इसके मृत्यु के बाद। यह बात कौन लिखता है, इतिहासकार बदायूनी। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक ने ये प्रथम शासक है जिसने शेख मोइदीन चिश्ती की दरगाह एवं बहराइच में सालार मसूद गाजी का मकबरा बनाया। कहने का मतलब, इसी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दिल्ली सल्तनत के शासन काल में शेख मोइदीन चिश्ती का मकबरा या दरगाह बनाया, कहाँ पर, दिल्ली में, और बहराइच में सालार मसूद गाजी का मकबरा या दरगाह बनाया। इस दो व्यक्ति का दरगाह इसने अपने शासन काल में बनाया। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने अजूधन में शेख मुल्तान का मकबरा बनाया,
और दोस्तों मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन का मकबरा बनाया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन का मकबरा बनाया और दिल्ली में ही शेख हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बनाया, जो किसका गुरु हुआ करता था, अमीर खुसरो का गुरु यही हुआ करता था, इसका मकबरा दिल्ली में बनाया। और बदायूं में मोहम्मद बिन तुगलक ने मीरन मुलहिम का मकबरा बनाया, मीरन मुलहिम का मकबरा बनाया। और इसके अलावा कई इत्यादि संतों को उसने मकबरा बनवाए, यानी अपने शासन काल में ढेर सारे मकबरा इसने बनवाए। और इसके मृत्यु के बाद अगला शासक बना दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक, जो इसका चचेरा भतीजा था, चचेरा भतीजा था, और अपने मरने से पहले इसी को इसने शासन उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जिसका शासन काल 1351 से लेकर 1388 तक रहा, 1351 से लेकर 1388 तक रहा। ये दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश में तीसरा सुल्तान बना दोस्तों। तो ये फिरोज शाह तुगलक दोस्तों, ये अपने शासन काल में ये काफी दयालु और परोपकारी था। ये फिरोज शाह तुगलक, ये तुगलक वंश का तीसरा शासक बना, ये इसे कहा जाता है ये बहुत दयालु और परोपकारी सुल्तान हुआ है दिल्ली सल्तनत का। ये दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक काइंड हार्ट और परोपकारी सुल्तान ही कौन हुआ है? फिरोज शाह तुगलक। इसीलिए यह अपनी जनता के भलाई के लिए ढेर सारे काम किया करते थे, जनता के विकास के लिए, रिफॉर्म के लिए बड़े नए नए काम किया करते थे। लेकिन दोस्तों इसका नेचर, इस फिरोज शाह का नेचर मुगल काल में अकबर के जैसा है। इसका नेचर किसके जैसा है? अकबर के जैसा इसका नेचर। 19वीं-20वीं शताब्दी में दोस्तों इतिहासकार एली फेस्टिन ने 19वीं-20वीं शताब्दी में इतिहासकार एली फेस्टिन ने जब फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा तो इन्होंने एक बात पता लगाया कि सिंचाई एवं नहर का निर्माण करवाने वाला या बनवाने वाला प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक हुआ है। सिंचाई एवं नहर का निर्माण करवाने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक हुआ है। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा नहर का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने, पहली बार मोहम्मद तुगलक ने, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा नहरें का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन काल में बनाया। इसकी तुलना फिरोज शाह की तुलना इसकी तुलना राजनैतिक तौर पर अकबर से किया गया है। फिरोज शाह का तुलना राजनैतिक तौर पर अकबर से किया गया है, लेकिन धार्मिक तौर पर औरंगजेब का बड़ा भाई माना गया है। इस फिरोज शाह तुगलक को धार्मिक तौर पर औरंगजेब का बड़ा भाई माना गया है, यानी ये धार्मिक रूप से बहुत कट्टर हुआ करता था, औरंगजेब से भी खतरनाक ये हुआ है, क्योंकि इसने अपने शासन काल में हिंदू एवं बुद्ध परस्थी को नष्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ा। ये फिरोज शाह तुगलक औरंगजेब के जैसा ही हिंदू एवं बुद्ध परस्थी को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। 20 मार्च 1351 में दोस्तों 20 मार्च 1351 में इसने अपना राज अभिषेक, फिरोज शाह तुगलक ने अपना राज अभिषेक खट्टा के नजदीक
थट्टा के नजदीक, थट्टा कहां पर पड़ता है दोस्त, सिंध में, थट्टा के नजदीक अगस्त में, अगस्त के 1351 में करवाया अपना राज अभिषेक। हाँ, अपना राज अभिषेक करवाया। बीस मार्च 1351 में थट्टा में करवाया अपना राज अभिषेक, लेकिन अगस्त 351 में अपना दूसरा राज अभिषेक दिल्ली में करवाया। 20 मार्च 1351 में अपना प्रथम बार राज अभिषेक थट्टा के नजदीक करवाया और दूसरा राज अभिषेक अगस्त 1351 में दिल्ली में करवाया। यानी अपना राज अभिषेक अपने शासनकाल में दो बार करवाया। और इस फिरोज शाह तुगलक को खलीफा के द्वारा, यानी बगदाद के खलीफा के द्वारा कासिम उल मोमिन की उपाधि दिया गया था। कासिम उल मोमिन की उपाधि फिरोज शाह तुगलक को दिया गया था खलीफा के द्वारा। और अगला बात की, अगला बात करें दोस्तों, तो उड़ीसा के, इसने फिरोज शाह ने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करवाया था। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ने नष्ट करवाया और हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर को संस्कृत के पुराने दस्तावेज को लूट कर, हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर में से संस्कृत के पुराने दस्तावेज को लूट कर उसमें आग लगवा दिया। यही फिरोज शाह तुगलक, आग लगवा दिया। और अगला काम, ये अपने शासन काल में 24 कष्टदायक कर, 24 कष्टदायक टैक्स को खत्म करके, समाप्त करके केवल 4 टैक्स रहने दिया। केवल 4 टैक्स, पहला खराज यानी लगान रहने दिया, दूसरा जजिया, तीसरा जकात एवं चौथा खुम्स। खुम्स का मतलब होता है दोस्त लूट, युद्ध में लूटा गया माल। युद्ध में लूटा गया माल में से जो टैक्स लिया जाता है उसे ही खुम्स कहा जाता है, खुम्स। यही 4 टैक्स वसूल करने का इसने अपने शासन काल में आदेश दिया था। लेकिन दोस्तों यही ये दिल्ली का पहला सुल्तान हुआ जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। क्योंकि आप जानते होंगे मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों पर जजिया नहीं लगवाया था, विकलांगों पर और विधवाओं पर, लेकिन ये अपने शासन काल में फिरोज शाह ने ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगवा दिया। और इसके अलावा एक नया टैक्स लगाया जिसे सिंचाई कर भी कहा जाता है, जो सिंचाई कर उपज का 1/2 भाग लिया जाता था अपने जनताओं से, उपज का 1/2 भाग लिया जाता था। और इसने अपने शासन काल में 300 बड़े नहर बनवाए, लगभग 300 बड़े नहर बनवाए। अब पता चल ही गया होगा कि ये अधिक नहर बनवाने वाला सुल्तान है। और अगला काम, इसने हरियाणा जिला में हिसार नामक नगर का स्थापना किया, हिसार नामक नगर का स्थापना किया। और इसका अगला काम, हरियाणा जिला में ही दोस्तों इसने अपने बेटे के जन्म फतेह खां के जन्म पर फतेहाबाद बसाया, फतेहाबाद नगर का स्थापना किया। हरियाणा में ही अपने बेटे फतेह खां के जन्म होने के कारण फतेहाबाद नगर का निर्माण करवाया, जो हरियाणा में किया गया है। और पंजाब के सतलज नदी के किनारे इन्होंने फिरोजाबाद नामक नगर बसाया, पंजाब के सतलज नदी के किनारे फिरोजाबाद नामक
शहर या नगर का निर्माण करवाया और इन्होंने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला भी बनवाया। इसने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला बनवाया। और दोस्तों फिरोजाबाद यूपी में जीटी रोड, यूपी में जीटी रोड ग्रैंड ट्रंक रोड जो कौन बनाया था, शेरशाह सूरी ने अपने शासन काल में। यूपी में ग्रैंड ट्रंक रोड से आगे, आगरा से आगे इन्होंने फिरोजाबाद नामक नगर बसाया। यूपी में पड़ता है फिरोजाबाद जो आगरा से आगे पड़ता है, जीटी रोड यानी यूपी में जीटी रोड पर ही आगरा के आगे पड़ता है ये फिरोजाबाद। और इसी फिरोजाबाद को दोस्तों, फिरोजाबाद में कांच और चूड़ी का सामान बहुत है, इसी फिरोजाबाद में कांच और चूड़ी का सामान भरपूर मात्रा में बनता है, भरपूर मात्रा में बनता है, इसीलिए इस फिरोजाबाद को कांच नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी भारत का कांच नगरी फिरोजाबाद को ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बैंगल्स और चूड़िया मानी चूड़िया कांच बहुत यहाँ पर बनता है। और इसके बाद अगला, जौनपुर अपने बड़े भाई मोहम्मद बिन तुगलक के वास्तविक नाम था जौना खां, माने अपने बड़े भाई मोहम्मद बिन तुगलक के वास्तविक नाम था जौना खां, और इसी जौना खां के नाम पर जौनपुर नामक शहर बसाया। तो इतना काम इसने अपने शासन काल में किया। आगे देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, स्थापना किया था, लेकिन 30 वर्षों के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दामाद इल्तुतमिश ने 1229 में कुतुब मीनार का काम कंप्लीट करवाया था। ये बात आप लोगों को मालूम ही होगा क्योंकि पिछले क्लास में मैंने इस बात का चर्चा कर चुका हूं। लेकिन दोस्तों फिरोज शाह के शासन काल में ये कुतुब मीनार, इस कुतुब मीनार के पर बिजली गिर जाने के कारण चौथा और पांचवा मंजिल गिर गया। फिरोज शाह के शासन काल में, कुतुब मीनार पर बिजली गिर जाने के कारण इसका चौथा और पांचवा मंजिल गिर गया और उसको फिर से रिकम्प्लीट करवाया कौन, फिरोज शाह तुगलक ने। ये अपने शासन काल में ये करवाया, बिजली गिर जाने के कारण चौथा और पांचवा मंजिल को पुनर्निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों इसके अलावा आगे बात, भारत का सबसे पुराना अभिलेख अशोक का अभिलेख माना गया है और अशोक के केवल 7 अभिलेख मिला है हमें। अशोक के हमें केवल टोटल कितने अभिलेख मिला है, 7, जिसमें से फिरोज शाह ने हरियाणा के टोपरा स्तंभ, जो कहां पर पड़ता है, अंबाला में, हरियाणा के अंबाला में पड़ता है टोपरा स्तंभ, और यूपी के मेरठ में, मेरठ स्तंभ पड़ता है। हरियाणा के अंबाला में टोपरा स्तंभ और यूपी के मेरठ में मेरठ स्तंभ, यानी टोपरा स्तंभ और मेरठ स्तंभ, इन दोनों स्तंभ को, इन दोनों पिलर को उन्होंने दिल्ली में स्थापित करवा दिया अपने शासन काल में, यानी अंबाला से और मेरठ से हटाकर कहां स्थापित कर दिया, दिल्ली में। तो इस सेशन, ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। जब अगली सेशन यानी पार्ट 23 में हम मिलेंगे तो हम चर्चा करेंगे दीवान ए खैरात के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद। ये लेक्चर यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, ये लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों।